अनइमेजिनेबल डिस्टोपियन वर्ल्ड जैसे कूल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी डार्लिंग प्रभास के अल्ट्रा सुपर हीरो मूवी कल्कि 2898 AD, जिसमें डार्क कलियुग के फ्यूचरिस्टिक एरा को वर्ल्ड वॉर 3 में मिसाकार करते हुए अपने पीक पोटेंशियल के साथ दिखाया जाएगा। तब फाइनली लॉर्ड कल्कि का सुप्रीम अवतार एक अल्टीमेट डिवाइन सुपर हीरो बनते हुए कलियुग का एंड करेगा। बट दिमाग की घंटी बजा देने वाला क्वेश्चन ये है कि इस फिल्म में प्रभास के सुपर हीरो कैरेक्टर के पास ऐसी कौन सी डिवाइन सुपर पावर्स होंगी जिससे वो डेविल मैन कली जैसे सुपर विलन को खत्म कर सकता है। नंबर 5, सुपर स्ट्रेंथ। अब जिस भी बंदे ने कल्कि मूवी का ग्लोरियस टीजर देखा है, टीजर के एंड में टाइटल के बाद बहुत ही छोटा सा शॉट दिखाया जाता है जहां पर डेडली वॉरियर अश्वत्थामा का पंच और प्रभास के सुपर कैरेक्टर का पंच स्मैश वे में टकराता है। अब ये शॉट दिखने में जितना सुपर सिंपल दिखता है, इसके अपोजिट लॉजिक लगाते हुए खोद कर सोचा जाए तो ये कोई नॉर्मल से चूतिया सुपर हीरो के पंचेस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये उस ग्रेट वॉरियर अश्वत्थामा का पंच है जो महाभारत के इवेंट का द्वापर युग का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल वॉरियर है जो कीड़े की तरह लाइफ जीने वाले कलयुग के ह्यूमन से 3 गुना ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्गर और शार्पर है। और इस लॉजिक के साथ इस किलर पंच को और उसके फाड़ देने वाले मास पावर को तुम इमेजिन करोगे तो हम लोग अपनी जड़ बुद्धि के अंदर एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं प्रभास के सुपर हीरो कैरेक्टर के अंदर किस लेवल की सुपर स्ट्रेंथ होगी जो अश्वत्थामा के किलर पंच को भी सुपर टक्कर दे रहा है। आगे नंबर 4 है सुपर स्पीड। नो डाउट कल्कि के टीजर का सबसे बड़ा हाईलाइट और मनी शॉट था ये स्पाइक जेट वाला सीन जो प्रभास के ऑर्डिनरी ह्यूमन कैरेक्टर को किसी सुपर हीरो कैरेक्टर की तरह स्पीड देता है, जिसका एक कड़क ग्लिम्स हमने ऑलरेडी इस टीजर के अंदर देख ही रखा है। और जिस भी बंदे ने मैंडलोरियन और आयरन मैन जैसी क्लासिक चीज देख रखी है उन लोगों को ये बात पता है कि स्पाइक जेट ये टेक्नोलॉजी क्या भला की चीज है। साथ में ये भी उन्हें पता होगा कि ये स्पाइक जेट कितने तगड़े लेवल की बूस्ट देता है स्पीड को। I mean, कल्कि के टीजर में ग्लिम्स के नाम पर स्पाइक जेट ही दिखाए गए है, बट क्या पता इस सुपर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कल्कि का कैरेक्टर अल्टीमेट वे में सुपरमैन आयरन मैन की तरह फ्लाई कर सके, जिसका सुपर हैंड ऑलरेडी पोस्टर के अंदर दिया गया है। आगे नंबर 3 पर है क्रिएटर ऑफ सुपर वेपन। अब जिसने भी कल्कि के टीजर को आंखें फाड़ते हुए गौर से देखा है तो उसमें एक ऐसा कंफ्यूजिंग शॉट तुम्हें देखने को मिलता है जिसमें प्रभास का कैरेक्टर एक्चुअल में एक अल्ट्रा होलोग्राफ क्रिएट करता है जो इनिशियली किसी टायर की शेप की तरह दिखता है। पर इस शॉट को रुकाकर जूम करके तुम HD में इस चीज को नोटिस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये टायर जैसे दिखने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि सुप्रीम पावरफुल वेपन सुदर्शन चक्र है जिसे मूवी के अंदर के प्रभास के सुपर टैलेंटेड कैरेक्टर ने खुद क्रिएट किया है, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि प्रभास का टैलेंट ही उसका सबसे बड़ा सुपर पावर है। आगे लिस्ट में नंबर 2 पे है पावर आर्मर सूट। अचानक से नॉस्टैल्जिया से भरे इस साउंड को सुनकर डेफिनेटली मेजोरिटी सुपर हीरो नर्ड्स को आयरन मैन की याद आ ही गई होगी, बट देखा जाए तो टोनी स्टार्क के पास ही ओनली नैनोटेक वाला अल्टीमेट आर्मर सूट नहीं है, क्योंकि कल्कि मूवी के अंदर प्रभास के सुपर हीरो कैरेक्टर के पास भी वो एडवांस पावर आर्मर सूट है जो प्रभास के कैरेक्टर की ह्यूमन स्ट्रेंथ को सुपर स्ट्रेंथ में बदल देता है। और ब्लैक पैंथर के सुपर हीरो सूट की तरह ही कल्कि का आर्मर सूट भी इनसेन वे में एनर्जी को टोटली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और इससे भी बड़ी गोल्डन बात यह है कि प्रभास का ये सूट सिचुएशन प्रिकॉशन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मन चाहे बॉडी के शेप में खुद को एडजस्ट कर सकता है, जिसका चार्म हमने इस टीजर के अंदर देखा है। फाइनली नंबर 1 कल्कि की सुपर पावर है जीनियस साइंटिस्ट होना जो उसे रियल वर्ल्ड का भी सुपर हीरो बनाता है। अभी तक प्रभास के सुपर हीरो कैरेक्टर कल्कि रिलेटेड जितना भी कंटेंट आउट हुआ है उससे ये बात डैम श्योर पता चलती है कि ये बंदा एक ऐसा माइंड ब्लास्टर टेक गीक है जो अपने मैडनेस से भरे इन्वेंशन से खुद को डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर हैप्पीली जिंदा रख रहा है। क्योंकि जब डेविल मैन कली ह्यूमैनिटी के ऊपर रूल करता है तब प्रभास का कली का ही वो कैरेक्टर होता है जो अपने सुपर नॉलेज का यूज करते हुए कूल वेपन्स बनाता है, अनइमेजिनेबल सूट्स बनाता है, यहाँ तक कि उसने ऐसे स्पाइक जेट को भी इन्वेंट कर लिया है जिससे वो स्पीड में तगड़े लेवल का एक्शन कर सकता है। दैट मींस मूवी के अंदर सुपर हीरो बनने से पहले प्रभास के कैरेक्टर की सबसे बड़ी सुपर पावर होगी उसका जीनियस माइंड, जिससे वो मूवी का सबसे जॉली कैरेक्टर बन जाता है। तो ये थे कल्कि मूवी के प्रभास के सुपर हीरो कैरेक्टर के 5 सुपर पावर जिसको वो अल्टीमेट वे में यूज करेगा कलियुग को खत्म करने के लिए। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो Instagram और Twitter पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।